हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। आज हम आप लोगों को झाड़ू के बारे में बताने जा रहा हूं कि एक झाड़ू बनाने में कुल कितना लागत लगता है, कुल कितना खर्च आता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल्स जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले लकड़ी ले लेंगे। ये लकड़ी लगभग 200 ग्राम का आ जाता है। और उसके बाद पाइप ले लेंगे, और उसके बाद घास ले लेंगे। ये देखिए घास है, आप लोग जितना ग्राम में बनाना चाहिएगा उतना ग्राम में बना सकते हैं। हम आज आप लोगों को 250 ग्राम में झाड़ू बनाने का कुल कितना लागत लगता है आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम 250 ग्राम झाड़ू को वेट कर लेते हैं। ये देखिए 250 ग्राम झाड़ू हम वेट कर लिए हैं। ये 250 ग्राम बटखारा है, टोटल वेट कर लिए हैं। अब सभी घास को हम अच्छी तरह से सजा लेंगे। इस तरह को सभी घास को सजा लेंगे। देखिए, इस तरह से सभी घास को सजा लिए हैं। अब इसके बीच में लकड़ी डालेंगे। इस तरह लकड़ी को गोल करके इस तरह से डाल देंगे। और ये छोटा वाला घास को छपाई कर देंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से छपाई कर लिए हैं, इस तरह से झाड़ू बना लिए हैं। अब इस तरह से पकड़ के झाड़ू को इस पाइप में घुसा लेंगे। देखिए, ये झाड़ू बन के रेडी हो गया है 250 ग्राम में। इसको बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर भी कर लिए हैं। अब देखिए इसका कुल कितना लागत पड़ गया है, उस सभी टोटल जोड़ के बता देता हूँ। देखिए, ये 7 रुपया का पाइप हुआ, और 3 रुपया का लकड़ी हुआ, 10 रुपया हो गया, और 250 ग्राम का घास का कीमत हो गया 30 रुपया। 30 रुपया घास हो गया, और 7 रुपया पाइप हो गया, 37 रुपया हो गया, 3 रुपया लकड़ी हो गया, 40 रुपया हो गया, और 2 रुपया कारीगरी चार्ज हो गया, 42 रुपया हो गया, और इसमें 3 रुपया का पन्नी ऊपर रेपर चढ़ाया जाता है उसका कीमत आ जाता है, यानी 42-45 रुपया टोटल आ गया है होलसेल प्राइस 250 ग्राम घास का कुल लागत में। हेलो दोस्तों, देखिए हम ये 250 ग्राम में सभी झाड़ू बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर रेपर चढ़ाएंगे। ये देखिए रेपर भी ले लिए हैं, इस रेपर का नाम है किंग ब्रूम्स। अब सभी को हम एक एक करके रेपर चढ़ा लेंगे इस तरह से।
देखिए दोस्तों, हम सभी में पन्नी पिन्हा लिए हैं एक एक करके, आप लोग भी पिन्हा लीजिएगा इसी तरह से। देखिए हम सब में पन्नी पिन्हा के रेडी कर लिए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए हम ये पंचिंग मशीन लगा लिए हैं, इसको हीट कर लिए हैं। अब एक एक करके सभी को रेस लेंगे इसी तरह से, इस तरह से रेस लेंगे सबको। देखिए ये रेस आ गया है, ये झाड़ू पूरा सील पैक हो गया है। सभी को इसी तरह से हम एक एक करके रेस लेंगे, तब उसके बाद हम इसको बंडल बांध लेंगे। देखिए इसी तरह से सभी को बारी बारी से हम, देखिए हम सभी को रेस लिए हैं एक एक करके। आप भी इसी तरह से पंचिंग मशीन से रेस लीजिएगा, सील पैक कर लीजिएगा झाड़ू को। हम सभी को एक एक करके पूरा रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम 50-50 का बंडल बांधेंगे। देखिए हम इसको पूरे अच्छी तरह से पंचिंग कर लिए हैं, 50-50 का बंडल बांध लिए हैं। अब ये झाड़ू अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है, पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है।